Hello kids, how are you all? I hope you all are healthy and fine. Today we are going to learn in a book of Hop, Skip, and Jump General Awareness. So let's start our topic. Okay, the next page is also our helper. Next page भी हमारा क्या है ना, हेल्पर है. यहाँ पे बच्चे थोड़े से ना एक दो हेल्पर्स नए हैं, वो भी हम जानेंगे वो हेल्पर्स के नाम क्या है. ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले क्या बोला गया है. नेम द पीपल हु हेल्प अस. ओके, यहाँ पे जो हमारे हेल्प करते हैं ना उनको हमें नाम देना है. तो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आपको हेल्पर्स के नाम अच्छे से याद होना चाहिए. आपको पिक्चर देख के बोलो ये अरे ये तो पुलिसमैन है, अरे ये तो ड्राइवर है, अरे ये तो वो है. ओके, आपको वैसे पहचानने में आना चाहिए. तो हमें यहाँ पे उनको नाम देना है. एंड हाउ मैनी हैव यू मीट. ओके, आपने कितनों से आपने मिला है, कौन 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 से मतलब हेल्पर से आप मिल चुके हो, उनको हमें सर्कल भी करना है. तो पहले चलिए इसमें पहले हमें बोला कि नाम देना है, तो पहले हम उसको नाम देते थे, बाद में उसको हम सर्कल करेंगे. तो पहले क्या है, This is a policeman. Yes, here is a policeman. We will write here policeman. P-O-L-I-C-E. Police. M-A-N. Man. Policeman. Next. Who is he? He is a fireman. Yes, we will write here fireman. So, bacha, you can see the spelling over here. But, bacha, rememberize all the spelling. Okay, in exam you have to write without seeing. Okay, FIRE, fire, MAN, man, fireman. Next, who is he? He is a doctor. Yes, so here is the spelling of doctor. So we will write here doctor, DOCTOR, doctor. Yes. Next, who is he? ये तो वो है टीचर, क्या बोलते हैं इसे, चप्पल सीते हैं हमारे. यस, बट इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग दिस पर्सन हु टीचेस आवर शू एंड पॉलिशिंग आवर शू इज कॉलिंग अ चॉबलर. ओके, दिस इज ही इज ऑल्सो अवर हेल्पर हु पॉलिश आवर शू एंड स्टिचिंग आवर शूज ना. ही इज ऑल्सो अवर हेल्पर, हिज नेम इज चॉबलर. क्या नाम है इनका? इनको हम बोलते हैं चॉबलर, जो हमारे शू वगैरह पॉलिश करते हैं. हमारे शू अगर हमारे चप्पल वगैरह टूट गए उसको स्टिच करते हैं, उसे हम बोलते हैं चॉबलर. COBBLER, चॉबलर. यस. नेक्स्ट, हु इज ही? यस, ही इज अ कारपेंटर. यस, हु फिक्सेस आवर windows, door and making the chair, tables. Yes, he is a carpenter. जो हमारे टेबल चेयर वगैरह को बनाते हैं, जो हमारे डोर वगैरह विंडोज को रिपेयर करते हैं, फिक्स करते हैं, उसे हम बोलते हैं कारपेंटर. CARPENTER, कारपेंटर. नेक्स्ट, हु इज ही? टीचर, ये तो मिस्त्री है, वो जो हमारे घर बनाते हैं. यस, दिस इज अ मिस्त्री, बट इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग मैंशन. क्या बोलते हैं? मैंशन. ओके, जो हमारे घर वगैरह को बनाते हैं, हमारे घर में कोई भी काम होता है, जैसे कि कुछ भी हमारे घर में टूट गया है, दीवार वगैरह को रिपेयर करना, हमारे घर को बिल्ड करना, उसको हम बोलते हैं मैशन. ओके. नेक्स्ट, हु इज ही? ये तो टीचर खाना पका रहे, तो ये हो सकते हैं, तो क्या हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं शेफ. क्या बोलते हैं हम इसको? शेफ, जो हमारे लिए खाना वगैरह होटल वगैरह में बनाते हैं. यस, तो इसे हम बोलते हैं शेफ. तो यहाँ पे लिखेंगे CHEF, शेफ. नेक्स्ट, हु इज ही? ही इज अ ड्राइवर. यस, जैसे कि आपकी जो बस वगैरह की जो ड्राइव करते हैं, हम ऑटो वगैरह ड्राइव करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइवर. तो ये क्या है? ड्राइवर. तो वी विल राइट हियर ड्राइवर, DRIVER. 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 Yes. So like this way you have to name the all the helper. Now अभी आप बोला कि आप में से आप लोग इसमें से कौन कौन से हेल्पर से मिल चुके हो, उसको आपको सर्कल करना है. ओके तो चलिए देखते हैं आपको किसे किसे मिला है. पुलिसमैन से मिले आप कभी? यस, अगर मैं तो अभी तक तो पुलिसमैन से नहीं मिली हूँ. मैंने देखा तो है लेकिन मिला नहीं है मैंने. अगर आप मिले हो तो इनसे सर्कल करना है. फायरमैन से आप मिले हो? मैं नहीं मिली हूँ. आप मिले हो? अगर आपने कभी मिला है तो उनको सर्कल करना है. डॉक्टर से मिले हो? मैं तो मिली हूँ. यस आई हैव मेट. तो मेरे ख्याल से आप सभी ने डॉक्टर से मिले होंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे सर्कल, क्योंकि मैं डॉक्टर से मिली हूँ उसको मैं सर्कल कर रही हूँ. नेक्स्ट शॉबलर. शॉबलर मतलब चप्पल सीने वाले से आपने मिला हो? यस मैं तो मिली हूँ, तो इसको मैं भी क्या कर दूंगी सर्कल कर दूंगी. इससे हमने मैं मिली हूँ. नेक्स्ट कारपेंटर. कारपेंटर से मिले हो आप लोग? घर के आप में घर के अंदर आए होंगे, आपके घर पे आके बनाते होंगे मोस्टली कोई भी चीज को, या आप उनके शॉप पे गए होंगे. यस मैं मिली हूँ कारपेंटर से, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कारपेंटर को मैं क्या करूंगी सर्कल करूंगी. यस लाइक दिस वे. नेक्स्ट मेंशन. मेंशन से मिले हो? मिस्त्री वगैरह आपका घर बना होगा, कुछ घर में काम हुआ होगा. यस मैं तो मिली हूँ, तो मैं इनको क्या करूंगी सर्कल कर दूंगी. नेक्स्ट शेफ. शेफ से मिले हो आप? मैं तो आज तक कभी किसी शेफ से नहीं मिली. होटल में आकर खाना खाई हूँ लेकिन किसी शेफ से मिली नहीं हूँ. अगर आप बच्चा आप लोग किसी शेफ से मिले हो ना तो सर्कल कीजिएगा, अगर नहीं कि मिले हो तो कोई बात नहीं छोड़ दीजिए. ड्राइवर. ड्राइवर से मिले हो? यस मैंने बहुत सारे ड्राइवर से मिली हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्कल कर दूंगी लाइक दिस वे. ओके सो स्टूडेंट लाइक दिस वे यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 78. डू इट वेरी नीटली. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. The next page is also our helper. अब यहाँ पे क्या बोला गया है सर्कल द थिंग्स दैट अ टेलर यूज. ओके हमें यहाँ पे बोला गया है ना हमें वही चीज को सर्कल करना है जो ये टेलर दिख रहा है, जो कपड़ा हमारे स्टिच करते हैं ना उनको जरूरत लगती है, जो चीजें उनको जरूरत लगती है ना वही चीजों को हमको बोला गया है सर्कल करना है. ओके तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है. यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक बॉटल है, यहाँ पे एक मेजर टेप है, यहाँ पे बटन से नीडल से स्विंग मशीन है, जिप है, पेंसिल है, थ्रेड है, कुकर है, क्लोथ है. इट इज अ टूल ऑफ मशीन. ओके सिलाई मशीन की एक टूल से ये सीजर. ओके तो ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई. अब इसमें से आपको पता होगा कि टेलर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ टेलर को क्या लगता है. जैसे कि टेलर को चाहिए एक कपड़ा चाहिए रहता है. ओके कपड़े को स्टिच करता है तो ही नीड्स अ क्लोथ, तो क्लोथ को हम क्या करेंगे सर्कल करेंगे फर्स्ट. ओके नेक्स्ट उसके बाद एक कपड़ा चाहिए, कपड़े को उसके बाद मेजर करने के लिए उसको नापेगा ना वो कि कितना इंच वो काटना है, क्या करना है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसको क्या चाहिए उसके लिए एक मेजर टेप चाहिए. क्या चाहिए? एक मेजर टेप चाहिए. यस दैट मेजर टेप से कपड़े पे मार्क करने के लिए शी रिक्वायर पेंसिल. पेंसिल और चौक जो भी रहेगा समथिंग लाइक दिस वे शी रिक्वायर. ओके तो पेंसिल भी उनको जरूरत है मेजर टेप के बाद. बच्चा समझते जाइए. देन उसने मेजरमेंट सब कर लिया, देन उसको क्या करेगा वो कट करेगा कपड़े को, तो शी नीड सीजर. क्या चाहिए उसको फिर सीजर. यस लाइक दिस वे शी नीड सीजर. ओके अब सीजर हो गया. अब उसको ये सब चीजों को कपड़े को स्टिच करना है, तो वो कहाँ पे जाएगा स्विंग मशीन पे. किस पे जाएगा स्विंग मशीन. उसको जरूरी है स्विंग मशीन की जरूरत है, एक थ्रेड की भी जरूरत है, धागे से सिएगा ना स्विंग मशीन में क्या जरूरत है थ्रेड की जरूरत है. देन वहां पे उसके लिए एक नीडल की जरूरत है. यस ये सारी चीजें नॉर्मल जरूरत है. देन उसके बाद क्या चाहिए, अगर वो शर्ट सी रहा है पैंट सी रहा है तो उसको क्या चाहिए जिप भी चाहिए. जिप इज अ नेसेसरी फॉर टेलर. बटन शर्ट सिएगा तो उसके अंदर वो क्या स्टिच करेगा वो बटन को अटैच करेंगे वो. यस नेक्स्ट ये मशीन की एक टूल है वो भी जरूरी है, तो ये भी लगाएंगे वो. ओके तो दिस आर द थिंग्स दैट टेलर यूज. व्हाट आर दे? इट इज अ measure tape, button, needle, sewing machine, zip, pencil, thread, cloth, tools, and scissor. These things are required for the stitching stitching, and these are the uses of tailors. Okay, so like this way you have to do this exercise on a page number 79. I hope it is clear to you, students. Take care. Bye bye.